maths. Today I will make you solve exercises of chapter first. Okay, then let's start. There is a MCQ types question. चलिए देखते हैं. First MCQ जो है, the two bean shaped cells surrounding the stomata are called guard cell. Okay, इसका आंसर guard cell है. देखिए थोड़ा सा stomata का structure आपको याद आता होगा अगर आप second video देखे होंगे. First video देखिए, फोटोसिंथेसिस मैंने बताया था, तो मैंने लीफ का स्ट्रक्चर में बताया था. ये देखिए, ये मैंने बोला था ये लीफ का स्ट्रक्चर है, उसमें ये स्मॉल पोर्स है. ओके, इसी पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं. ओके, इसी स्टोमेटा के पोर से क्या होता है कि CO2 लीफ के अंदर इंटर करता है और वाटर मॉलिक्यूल्स लीफ से बाहर आता है. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप देखिए, इस स्ट्रक्चर को जो है माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा. देखिए ये है स्टोमेटल पोर, यही पोर है, और उसके सराउंड्स जो है स्पेशल बीन शेप्ड के सेल हैं जिसको गार्ड सेल कहते हैं, और सराउंडिंग जो है फाइव सेल्स हैं उसको सब्सिडरी सेल कहते हैं. तो ये देखिए गार्ड सेल समझ में आया, ये स्टोमेटल पोर को क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर गार्ड सेल होगा. क्लियर हुआ. सेकेंड आइए, टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर एंड बोथ बेनिफिटिंग फ्रॉम वन अनदर इज नोन एज. तो आपको पता है इसका आंसर सिम्बियोटिक होगा. क्यों सिम्बियोटिक होगा, याद होगा कि कैसे कि दो ऑर्गेनिज्म दोनों को फायदा हो तो उसको सिम्बियोटिक रिलेशन कहते हैं. आइए, ये है आपका थर्ड एन एग्जाम्पल आम इंसेक्टिवोरस प्लांट. तो विनस फ्लाई ट्रैप है, मशरूम है नहीं, यूस्ट भी नहीं है, लाइकेन भी नहीं. अब आइए, द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ इज क्लोरोफिल. आंसर ठीक है, ये मैं बताई थी आपको, क्लोरोफिल जब फोटोसिंथेसिस करा रही थी. ड्यूरिंग थर्ड आइए, सॉरी फिफ्थ आइए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक, प्लांट क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज करता है. फिलिंग द ब्लैंक्स देख लीजिए. ऑन द टेस्ट टेस्टिंग विद आयोडीन, आयोडीन स्टार्च टर्न्स ब्लू ब्लैक. इसका आंसर ब्लू ब्लैक होगा. ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट कराऊंगी. देखिए कैसे होता है, देखिए अगर मान लीजिए पोटैटो ले लीजिए, पोटैटो के स्लैट पर अगर आप स्टार्च के सॉल्यूशन ड्रॉप करेंगे, पोर करेंगे, उस कंडीशन में जो पोटैटो का स्लैट का कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा. इससे मुझे पता चल जाएगा कि उस पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट होता है, या फिर लीफ में भी ऐसे चेक कर सकते हैं. सेकेंड आइए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द गैस रिलीज्ड, कौन सा गैस, ऑक्सीजन. मिस्टोलेटो इज अ पार्शियल पैरासाइट, पता है आपको, याद होगा. इन लाइकेंस, लाइकेंस में कौन कौन होता है, एल्गा या एल्गी एंड फंजाई, डिपेंड ऑन इच अदर, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन के लिए. फिफ्थ, प्लांट्स विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मटेरियल मेटल्स, ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड, आपको याद होगा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, याद होना चाहिए. डेड एंड डिराइव शब्द का मतलब है सड़ा और गला. ठीक है, अब सिक्स आ जाइए, जाइलम, यहाँ मैंने जाइलम लिखा, न्यू वर्ड आपके लिए है थोड़ा सा, एक्स वाई एल ई एम, जाइलम, इसको पढ़ेंगे. ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट अपवर्ड, अपवर्ड्स. ठीक है, ये मान लीजिए रूट है, ठीक है, स्टेम है, रूट है. ठीक है, तो रूट से वाटर जो है आप क्या है, सॉइल में वाटर आप देते हैं, तो उस वाटर को सॉइल के रूट्स अब्जॉर्ब करते हैं और ऊपर लीफ तक पहुंचाते हैं, स्टेम तक पहुंचाते हैं. मान लीजिए लीफ है, तो इस स्टेम में, लीफ में एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब मान लीजिए. ठीक है, अब आप इसको मान लीजिए स्टेम है. ठीक है, इस स्टेम में ट्यूब जैसा, माइन्यूट ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, साथ साथ दो स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, और उस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को ही, एक स्ट्रक्चर ट्यूब को कहते हैं जाइलम, दूसरे ट्यूब को कहते हैं फ्लोएम. ठीक है, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, क्योंकि है ये चैप्टर में, इसको फ्लोएम कहते हैं. ठीक है, तो जाइलम से क्या होता है, वाटर. ठीक है, जाइलम से वाटर और फ्लोएम से फूड. तो याद ऐसे करेंगे, ज से जाइलम, ज से जल, यानी जाइलम से जल यानी वाटर जो है कंडक्ट होता है, और फ्लोएम से फूड कंडक्ट होता है, यानी पाइप जैसा, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर से ये क्या है, वाटर ऊपर जाता है और लीक तक पहुंचता है, स्टेम तक पहुंचता है, और जो है और फूड है फ्लावर्स है. तो क्लियर हुआ, जाइलम.
ठीक है। अमर बेल इज पैरासिटिक प्लांट, पता है आपको। चलो ये है ट्रू फॉल्स है, तो देखिए फर्टिलाइजर्स हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये ट्रू है। और अब देखिए सेकंड है ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, से फॉल्स है, पता ही होगा क्यों, क्योंकि कुछ जो है ऑटोट्रॉफिक है। थर्ड आइए देखिए आयोडीन सोल्यूशन इज यूज टू टेस्ट, इससे पहले किए थे हम लोग, तो टेस्ट किसका करते हैं, स्टार्च का या फैट दिया होगा, है फॉल्स है। इन अबसेंस ऑफ प्लांट ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर वुड गो ऑन द इंक्रीजिंग, फॉल्स है, क्योंकि अगर प्लांट नहीं होंगे तो ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाएगा, तो यहाँ इंक्रीजिंग लिखा हुआ तो क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए फॉल्स है। फिफ्थ फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन दोज पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच कंटेन क्लोरोफिल, ऑफकोर्स ये ट्रू है, ठीक है। ट्रू फॉल्स आप मैंने पेंसिल से लिखा है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आइए वन वर्ड करा दूँ मैं जल्दी से आपका, तो देखिए द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अदर्स फॉर फूड, तो ये है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, इसका वन वर्ड है। प्लांट्स फूड फैक्ट्री लीफ होता है, आपको पता है। प्लांट विच कैन ईट इंसेक्ट, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है। द पार्ट थ्रू विच कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स द लीफ, आपको अभी मैंने स्ट्रक्चर से बताया वो क्या है, स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटल पोर से ये, ठीक है, CO2 अंदर एंटर करता है। द फिफ्थ वन प्लांट्स डिराइविंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट, ये क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, क्योंकि होस्ट और हॉस्टोरिया टर्म जो ही आएगा आप याद रखिएगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। आइए शॉर्ट को मैं करा देती हूँ, देखिए शॉर्ट को क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इसका आंसर भी मैं नोट की हूँ। आप इसको जू आप उसको क्या है कि पॉज कर कर इसका आंसर लिखते जाइएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, शॉर्ट का न्यूट्रिशन एंड डेफिनेशन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड देख लीजिए डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्टोमेटा इन फोटोसिंथेसिस, तो देखिए उस पोर से क्या होता है, CO2 अंदर जाता है और वाटर बाहर आता है। देखिए डिफाइन द फॉलोइंग सी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए सेप्रोफिटिक पैरासिटिक और इंसेक्टिवोरस, इसको अगर आपको आंसर, देखिए मैं अगर इसका आंसर लिखवाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर आपको पार्ट टू वीडियो में, आप सेवन्थ का पार्ट टू वीडियो सर्च करके आप उसको देख लीजिएगा। और स्टोमेटा, ये देखिए नया टर्म है, इसको मैंने डिफाइन किया, इसको लिख लीजिए, स्टोमेटा इज स्मॉल पोर और कहाँ होता है, लिप सर्फेस पर। अब आ जाइए डिफाइन इसका, ये है डिफाइन गार्ड सेल, ये मैंने लिखा है, आप उसको लिख लीजिए। टू किडनी और बीन सेप्ड सेल्स जो विच सराउंड द स्टोमेटा कॉल्ड गार्ड सेल। और देखिए व्हाट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, देखिए व्हाट इज लिखा, व्हाट आर होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन वाटर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो आप लिख सकते हैं, सब लिखिएगा, ये नहीं कि हम बस ऑक्सीजन लिखे, वाटर भी लिखे, एनर्जी भी लिखे प्रोड्यूस, ठीक है। अब थोड़ा मैंने रफली लिखा है, इसलिए आप थोड़ा सा इसमें राइटिंग में मत जाइएगा। ये देखिए ये यहाँ तक हो गया आपका, ये हो गया। अब आइए आंसर इन ये है ब्रीफ, ठीक है, लॉन्ग आंसर है, तो इसका जो है लॉन्ग आंसर में देखिएगा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ लीव्स इन द फोटोसिंथेसिस, ये आपका पार्ट वन में आपको मिल जाएगा, पार्ट वन वीडियो में, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। ये व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये भी मैंने कराया है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी पार्ट वन वीडियो में हेडिंग वाइज मैंने लिखा है, उसको लिख लीजिएगा। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये देखिए इसका आंसर मैं आपको फटाफट बता देती हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये देखिए आप इसका आंसर यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मिला आपको, ये देखिए आप देख पा रहे हैं ये है, ठीक है, और ये आप यहाँ से नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके एक दो पॉइंट आप कट कर देंगे, कंक्लूजन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आइए ये भी हो गया आपका, ये है डिफ्रेंशिएट बिटवीन टोटल पैरासाइट, क्वेश्चन नंबर फोर देखिएगा, ठीक है, और पार्सल पैरासाइट, ये देखिए मैं लिखी हूँ, और आप इससे बेटर अगर आंसर आपको मिल रहा है तो आप उसको वहाँ से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं लिखी हूँ, आप उसको पॉज करके कॉपी पे लिख लीजिएगा, रफली मैंने लिखा है इसको, ठीक है, तीन पॉइंट है, तीन पॉइंट बना लीजिएगा। उसके बाद है एक्सप्लेन द रोल ऑफ लाइकेन इन सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन, इसका आंसर ये मैंने आपको यहाँ मैं लिखी हूँ, वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है, क्लियर हो, मैं बोल दूँ उसको कि क्लियर हो गया, ओके चलिए।
ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर जो है सेकंड स्टार्ट करेंगे। आपको सारा आंसर मिल गया या नहीं आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बताइएगा।